मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ ब्लॉक डायग्राम सीरीज का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह ब्लॉक डायग्राम टॉपिक पे लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग टीवी ट्रांसमीटर, टीवी रिसीवर, कैलकुलेटर और कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करेंगे। यह सारे टॉपिक रियल डिवाइसेस से रिलेटेड हैं, तो आप इसको रियल डिवाइसेस से रिलेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको यह टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्लॉक डायग्राम का पार्ट थर्ड। इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टीवी ट्रांसमीटर के बारे में। टीवी आपके घर में होगा, टीवी के लिए दो मेन चीज़ आपको चाहिए होगा, एक होगा ऑडियो और दूसरा होगा वीडियो। अगर आपके टीवी में ऑडियो नहीं होगा तो आप चले जाइएगा 1913 का जमाना में, जब राजा हरिश्चंद्र मूवी रिलीज होगा। राजा हरिश्चंद्र क्या फर्स्ट इंडियन साइलेंट फिल्म है, तो उसका भी मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप आपके यहाँ वीडियो ही नहीं होगा तो फिर आप टीवी क्यों लेंगे, आप आराम से रेडियो लीजिए। तो आपको दोनों चाहिए, ऑडियो और वीडियो दोनों। तो ऑडियो के लिए हम यहाँ माइक का यूज़ कर रहे हैं। माइक आपको पता है आपके वॉइस सिग्नल को ऑडियो सिग्नल या स्पीच सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उसको ऑडियो एम्पलीफायर में देंगे और फिर हम उसको FM से मॉड्यूलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ हमको क्या मिला, ऑडियो सिग्नल। अब क्या है दूसरा हमको चाहिए, वीडियो सिग्नल। आप मूवी देखते होंगे कभी, किसी का मूवी का बनने का, तो उसमें क्या बोलता है, लाइट एक्शन कैमरा, है ना। तो लाइट आपको यहाँ एक्शन जो वो परफॉर्म करेगा और कैमरा चाहिए। तो आपको वीडियो सिग्नल के लिए कैमरा चाहिए। कैमरा क्या, ये टेलीविजन कैमरा आपको मिलेगा। ये कैमरा क्या करेगा, एक्चुअल पिक्चर लेगा, उस पिक्चर को क्या करेगा, यहाँ स्कैनिंग है, उस पिक्चर को स्कैन करेगा किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू। अब उसको स्कैन करके वो किसमें, वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ये ट्रांसमीटर सेक्शन में, यही काम वो रिसीवर सेक्शन में क्या करेगा, पिक्चर ट्यूब पे जो ये हमको वीडियो सिग्नल जाएगा उसको फिर से इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू स्कैन करेगा और उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, हमको उसको फिर से अब कन्वर्ट किसमें करेगा, एक्चुअल पिक्चर में जो हमको टीवी पे दिखेगा। तो ये दोनों जो है ना परफेक्टली सिंक्रोनाइज होना चाहिए रिसीवर और ट्रांसमीटर सेक्शन में, इसीलिए हमको क्या बोल रहे हैं, स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग सर्किट। ठीक है, तो ये क्या, कैमरा लिया, इसको क्या किया, वो वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया और उसको क्या हम किए, AM के थ्रू मॉड्यूलेट किए, दो चीज हमको मिल गया। अब तीसरा हमको क्या है मिलना चाहिए, क्रिस्टल ऑसिलेटर, जिसके थ्रू मॉड्यूलेट करेंगे, उसको भी एम्पलीफाई करके हमको तीन यहाँ पर ले आए। ठीक है, अब यहाँ दो एंटीना हम नहीं चाह रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि एक कैरियर के साथ अलग से हम भेज रहे हैं साउंड, दूसरे कैरियर के साथ हम अलग से भेज रहे हैं आपको पिक्चर, हमको दोनों एक साथ भेज रहे हैं। तो इसके लिए हम कंबाइनिंग नेटवर्क का यूज किए ताकि हम दोनों एक साथ भेज सकें। तो दोनों एक साथ भेजने के लिए हम कंबाइनिंग नेटवर्क का यूज किए, ये तीनों कंबाइन हुआ, मतलब एक कैरियर पर वीडियो ऑडियो दोनों को इम्पोज हुआ और उसको हम एंटीना के थ्रू भेज दिए। यही इसका क्या है, ट्रांसमिटिंग का पूरा ब्लॉक डायग्राम। तो हम इसको फिर से देख सकते हैं कि जो डिस्कस किए हैं, तीन मेन पार्ट होता है। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट करता है। दूसरा क्या, ऑडियो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट करता है। और तीसरा RF कैरियर। ठीक है, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और RF कैरियर हमको जनरेट हो गया, उसको हम ट्रांसमिट कर देंगे। अब ट्रांसमिट करने से पहले अलग अलग एंटीना से नहीं कर रहे, इसलिए सिंगल एंटीना यूज कर रहे हैं। इसके लिए हमको क्या है, कंबाइनिंग नेटवर्क का यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या, वही स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग यूनिट का बता रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन बीम से जो पिक्चर लिए, पिक्चर उसको स्कैन करेंगे और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, करस्पॉन्डिंग वीडियो सिग्नल। अब यही काम हमको रिसीवर में भी करना है। तो रिसीवर में क्या करता है कि पिक्चर ट्यूब पे जो वीडियो सिग्नल आएगा उसको इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से स्कैन करेंगे ताकि ओरिजिनल पिक्चर हम पा सकें और हम उसको टीवी पर दिखा सकें। ठीक है, और वो दोनों परफेक्टली मैच होना चाहिए, इसके लिए हम स्कैनिंग एंड सिंक्रोनाइज्ड सर्किट का यूज करते हैं। आई थिंक क्लियर होगा टीवी ट्रांसमीटर। अब टीवी रिसीवर की बात करते हैं। तो जो हम ट्रांसमिट किए थे सिग्नल वो रिसीव हुआ, उसमें ऑडियो वीडियो और कैरियर तीनों हैं। अब RF ट्यूनर यूज करेंगे जो कि प्रॉपर सिलेक्शन रिजेक्शन का काम करेगा। उसके बाद हम कॉमन IF एम्पलीफायर यूज करेंगे जिसका आउटपुट हम वीडियो डिटेक्टर को देंगे। वीडियो डिटेक्टर क्या करेगा, उसको उसमें जो वीडियो सिग्नल उसको डिटेक्ट करेगा। वीडियो सिग्नल में आपको पता है दोनों है, ऑडियो और वीडियो दोनों है, तो ऑडियो पोर्शन इधर चला जाएगा, वीडियो पोर्शन इधर चला जाएगा। अब ऑडियो पोर्शन जो मिलेगा हम उसको एम्पलीफाई करेंगे और फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी को, ऑडियो सिग्नल को हम किसे मॉड्यूलेट किए थे, FM मॉड्यूलेटर से। तो FM डीमॉड्यूलेटर की मदद से इसको डीमॉड्यूलेट करेंगे और ओरिजिनल ऑडियो सिग्नल मिलेगा उसको हम एम्पलीफाई करके हम आपको आपके टीवी के स्पीकर से बाहर निकल जाएगा। अब जो वीडियो सिग्नल मिलेगा वो कहाँ जाएगा, पिक्चर ट्यूब में। अब वो पिक्चर ट्यूब को फिर से स्कैन किया जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से ताकि उस वीडियो सिग्नल से हमको ओरिजिनल पिक्चर मिले जो कि हमको टीवी पर दिखे। ठीक है, तो ये हुआ आपका रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम। फिर से हम ट्रांसमीटर और रिसीवर को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसमीटर में हमको क्या चाहिए था, दो मेन चीज चाहिए था, एक ऑडियो और वीडियो। ऑडियो सिग्नल कौन जनरेट कर रहा है, आपका माइक। वीडियो कौन जनरेट कर रहा है, आपका कैमरा। ठीक है, कैमरा को स्कैन करके हम वीडियो सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। अब इन दोनों को मॉड्यूलेट करना था, हमको कैरियर की जगह जरूरत होगी, जिसके लिए हम ऑसिलेटर का यूज किए, कैरियर फ्रीक्वेंसी मिला। अब
तीनों को एक एंटीना से ट्रांसमिट करना है, इसके लिए हम कंबाइनिंग नेटवर्क यूज किए। अब हम उसको ट्रांसमिट किए, यहाँ रिसीव किए, रिसीवर के बाद उसको प्रॉपर सिलेक्शन के लिए आरएफ ट्यूनर से किए, फिर वीडियो डिटेक्टर यूज किए जो कि वीडियो सिग्नल डिटेक्ट किया। अब उसका ऑडियो सिग्नल अलग किए और वीडियो सिग्नल अलग किए, ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करके डीमॉड्यूल करके हम स्पीकर से आउट लिए, और वीडियो सिग्नल जो डिटेक्ट किए उसको पिक्चर ट्यूब में दिए, जहां स्कैनिंग करके फिर से हम ओरिजिनल सिग्नल निकालकर हम आउटपुट ले पाए। ठीक है, तो ये आपका हुआ टीवी ट्रांसमीटर रिसीवर का कंप्लीट। नेक्स्ट हम कैलकुलेटर को डिस्कस करेंगे। कैलकुलेटर में मेन चार पार्ट होता है, इसको हम देख लेते हैं। पहला होता है पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर, जो जिसका फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल इंटरफेस कंट्रोलर। ये क्या करता है, कैरी करता है वास्ट रेंज ऑफ, बहुत सारा टास्क कर सकता है। जैसे यहाँ पर हमको कैलकुलेटर में क्या करना है, जोड़ घटाव गुना भाग स्क्वायर क्यूब रूट सब चीज कराना है, तो ये सारा कौन करेगा, पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर का काम करेगा। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में एक बेसिक डिफरेंस है, माइक्रो कंट्रोलर का हम यूज करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ कैलकुलेशन का ही सिर्फ का टास्क है अर्थमेटिक, माइक्रो प्रोसेसर का हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना है। जैसे आपको कंप्यूटर में आपको प्रोसेसर यूज होता है, आप पता करते हैं कौन सा प्रोसेसर है, लेटेस्ट प्रोसेसर क्या है, लेकिन वहाँ माइक्रो कंट्रोलर यूज नहीं होता। माइक्रो कंट्रोलर क्यों कब यूज होता है, जब आप उसको एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा स्पेसिफिक टास्क क्या है, हमको कैलकुलेशन या अर्थमेटिक टास्क है। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइक्रो कंट्रोलर हुआ, पावर सप्लाई, मैट्रिक्स कीबोर्ड और आपको 10 डिजिट एलईडी डिस्प्ले, ये चार मेन चीज चाहिए। पावर सप्लाई, ये माइक्रो कंट्रोलर में आपको क्या है, पिन डायग्राम होगा, उसी से सब कुछ कनेक्टेड होगा। तो अगर माइक्रो कंट्रोलर को हम पावर दे रहे हैं तो हमको सब चीज उसी से कनेक्शन मिल जाएगा। अब क्या है, ये कीबोर्ड है जिसपे हमारा की 1 2 3 4 कुछ प्लस माइनस साइन सब चीज दिखा रहेगा। ये आपका एलईडी डिस्प्ले जिसपे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अब क्या ये आउटपुट 4 बिट दे रहा है, 4 बिट मतलब 2 to the power 4 = 16 होना चाहिए, लेकिन हमको क्या 10 डिजिटल डिस्प्ले है, तो हमको उसको 10 डिजिट पे कन्वर्ट करना है। तो उसको क्या है, इसके लिए हम 1 of 10 डिकोडर का यूज कर रहे हैं। ये सेगमेंट क्या है, एलईडी 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले है, जो इस तरह से आप लिखा होता है, 8 के शेप में लिखा होता है, इसी से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कैसे होगा। हम कीबोर्ड पे हम आप इसको टाइप किए नंबर 20+30। ठीक है, सपोज करना चाह रहे हैं हम 20 टाइप किए, किस पे डिस्प्ले होगा, एलईडी पे, प्लस किए ये भी एलईडी पे डिस्प्ले का, और ये उसके बाद 30 टाइप किए ये भी एलईडी पे, और ये ऑपरेशन प्लस का कौन करेगा, माइक्रो कंट्रोलर करेगा। ऑपरेशन करके आपको आउटपुट भी एलईडी पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपका क्या हुआ, वर्किंग कैलकुलेटर का है। ठीक है, यहाँ वही बता रहा है कि चार मेन पार्ट होता है, चारों का नाम बताया गया है। ये आपका कंप्लीट हुआ कैलकुलेटर। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे, ये रहा आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम क्या है, डाटा इनपुट प्रोवाइड करेंगे। वो इनपुट हम किसके थ्रू देंगे, आपको इनपुट यूनिट के थ्रू। वो क्या हो सकता है, आपका कीबोर्ड हो सकता है, टच पैड हो सकता है, आपका माउस हो सकता है, उसके थ्रू हम क्या है कंप्यूटर को इनपुट देंगे। ठीक है, अब वो इनपुट सबसे जाएगा प्राइमरी स्टोरेज में, जहां वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए स्टोर होता है, वो तब तक जब तक उस पर प्रोसेस नहीं होता है। प्रोसेस कौन करेगा, वो सीपीयू करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो बना होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू से। एलयू क्या हुआ, अब अर्थमेटिक प्रोसेसिंग होना है या लॉजिकल होना, उसके लिए आपको कौन हेल्प करेगा, एल। ठीक है, और सीयू क्या करेगा, कंट्रोल पूरा वो फ्लो इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करेगा, किसके बाद कौन आएगा, किसके बाद किसका नंबर है, ये एग्जीक्यूट हुआ इंस्ट्रक्शन तो अब आना, ये सब कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट हैंडल करेगा। ठीक है, अब ये जब इस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो ये स्टोर कहाँ से होगा, सेकेंडरी यूनिट में। आउटपुट आपको देखना है तो ये फिर क्या, आपको कंप्यूटर आपको आउटपुट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन देगा। कहाँ आउटपुट यूनिट में कैसे हो सकता है, जैसे आपका स्क्रीन हो गया, आपका स्क्रीन मॉनिटर स्क्रीन, वो क्या हो गया, आउटपुट के फॉर्म में हो गया। ठीक है, यही फॉर्म है आपका, फ्लो है कंप्यूटर का कैसे काम करता। पहले हम डाटा दिए इनपुट, इनपुट किसके थ्रू देंगे, हम माउस कीबोर्ड या टच पैड के थ्रू देंगे इनपुट। वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज में, वहां पर जो भी, जैसे आप जोड़ना है, सपोज कंप्यूटर में हमको जोड़ना है तो अब डिजिट डालेंगे, तो डिजिट जो डालेंगे वो कहाँ जाएगा, प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर होगा, कहीं स्टोर होगा तभी तो हम जोड़ेंगे ना, तो इसलिए प्राइमरी स्टोरेज में जाएगा। अब क्या उस पर क्या ऑपरेशन करना होता है, कंट्रोल यूनिट बताएगा क्या ऑपरेशन करना है, उसके अनुसार आपको एक्ट होगा, अर्थमेटिक होता है, लॉजिकल होता है, या जो भी एक्ट करना होगा वो एक्ट करेगा। अब कंट्रोल यूनिट क्या है, वो ये भी बताएगा क्या कर रहा है, और दूसरा कंट्रोल करेगा फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन कि किसके बाद कौन एग्जीक्यूट करेगा, वो फ्लो करेगा। अब उस पर जो भी परफॉर्म होना था हो गया, वो स्टोर कहाँ होगा, सेकेंडरी स्टोरेज में। और आप उसको आउटपुट कहाँ देख सकते हैं, आउटपुट यूनिट पे देख सकते हैं, वो क्या, वो आपका कंप्यूटर का मॉनिटर होगा, जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये मेन डायग्राम हुआ। अब इसी में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो कंप्यूटर का तीन पार्ट होता है मेन, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबसे मेन पार्ट होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और मेमोरी या बोलो स्टोरेज डिवाइसेस।
सीपीयू को हम उसको हार्ट या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो सारा ऑपरेशन को पूरा प्लान करता है, सारा एग्जीक्यूट करता है वही, ठीक है? वही बोला, सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन बाय द यूजर टू द कंप्यूटर सिस्टम। एक यूजर जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है सबको, सब एग्जीक्यूट करने का दरमदार किस पे होता है? सीपीयू पे आता है। सीपीयू मेन तीन तरह का पार्ट से बना होता है, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक यूनिट, इसका जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में जो अर्थमेटिक यूनिट का पार्ट होता है वो क्या करता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, पावर, ये सब काम करता है अर्थमेटिक यूनिट। वहीं अगर बुलियन कोई परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे क्या है, आप हम कहते हैं कंपेयर करना, ये बड़ा कि ये छोटा, इन दोनों में क्या सिमिलर, इस तरह का कंपेरिजन करने का कम काम करता है लॉजिकल। या कोई बुलियन ऑपरेशन जैसे एंड, और, नोर, एक्सोर, इस तरह का ऑपरेशन कौन, तो बुलियन ऑपरेशन को कौन करता है? लॉजिकल यूनिट। तो एलयू दोनों मिलकर क्या करता है? अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट को प्रोसेस करता है। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपको बता दें ये पूरा ऑपरेशन को कंप्यूटर का कंट्रोल करता है। ये इट ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल डिवाइसेस, सब डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू आउटपुट, इवन मेमोरी जो इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस कुछ एक्स्ट्रा लगाते हैं उसको भी कंट्रोल कौन करता है? सीयू। और ये प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट को भी मेंटेन करता है कि किसके बाद कौन आना है, कौन अभी ये हुआ एग्जीक्यूट तो नेक्स्ट कौन होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? सीयू, ठीक है। रजिस्टर्स क्या होता है? स्टोर करने के लिए होता है। कुछ रजिस्टर का एग्जांपल है प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, इस तरह के सारे रजिस्टर क्या होता है? आपको स्टोर करने का काम करता है। इनपुट यूनिट क्या होता है? वो हम कुछ डाटा अगर कंप्यूटर में सेंड कर देते हैं वो इनपुट यूनिट के थ्रू, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, टच पैड, जॉयस्टिक, वेब कैमरा। जॉयस्टिक, वेब कैमरा सब आप जानते ही, जॉयस्टिक अगर कोई गेम खेला होगा तो जानता होगा, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर आप जानते ही हैं, टच पैड जानते हैं, वेब कैमरा जानते हैं। आउटपुट यूनिट क्या हुआ? जो हम अगर डाटा रिसीव कर रहे हैं कंप्यूटर से तो किस पे डिस्प्ले हुआ, जैसे मॉनिटर आपका, और कुछ प्रिंट करते हैं प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सब क्या हुआ आपका? आउटपुट यूनिट, ठीक है। अब हम मेमोरी यूनिट, या हम बोल रहे थे जो स्टोरेज, स्टोरेज क्या होता है? मेन दो तरह का होता है, जो मेमोरी यूनिट होता है या स्टोरेज यूनिट होता है, मेन दो काम करता है। पहला इंस्ट्रक्शन, वो क्या क्या स्टोर करता है? पहला तो इंस्ट्रक्शन जो देंगे हम कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे वो स्टोर करता है। या अब वो इंस्ट्रक्शन तो स्टोर करता है, साथ साथ अगर उसके साथ कोई हमको डाटा चाहिए तो वो भी स्टोर करेगा। जैसे अगर हम ऐड ऑपरेशन बोलने करने तो वो तो स्टोर करेगा ही साथ साथ। ऐड किसको करना? दो चाहिए ना हमको, 10+20, तो 10 और 20 को भी स्टोर करेगा, साथ साथ ये भी स्टोर करेगा कि हमको इसमें एडिशन करना है। तो ये दोनों चीज कौन करता है? मेमोरी। तो मेमोरी दो तरह का होता है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसमें रैम और रोम होता है, ये आपको पता है, ये कॉस्टली होता है, कम साइज में मिलता है। दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, जो होता है फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टाइप, इस तरह का होता है फ्लॉपी डिस्क। ये आपको लार्ज साइज में मिल जाएगा, थोड़ा कम कॉस्टली होता है प्राइमरी मेमोरी के कंपेयर में, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा। यह ब्लॉक डायग्राम सीरीज का थर्ड एंड लास्ट लेक्चर था। तो अगर किसी ने बाकी के दो लेक्चर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टूडे। होप यह आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बी हेल्दी, बी सेफ, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।